Now today we will discuss why the sun appears in advance before sunrise. And after actual sunset, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सन हमें दो मिनट पहले ही क्यों नजर आ जाता है, एडवांस में ही क्यों नजर आ जाता है? क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो यू हैव टू सी ए रेड कलर स्पॉट इन द स्काई, एक बड़ा सा एक आपको रेड कलर का एक सर्कल नजर आता है, दिस इज द सन. But this is not a sun, this is the virtual image of the sun, जो आप अर्ली मॉर्निंग देखते हो. सन तो अभी ओरिजिन से नीचे ही होता है, लेकिन उसकी इमेज आपको पहले नजर आ जाती है, जिसको आप सन मान लेते हैं. इसी तरह जब शाम को आप देखते हो कि एक रेड कलर का सर्कल होता है, वो सन नहीं होता, वो उसकी एक इमेज होती है. सन तो पहले ही नीचे जा चुका होता है. और ये टाइम गैप होता है दो मिनट का, मतलब सन आपको जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो दो मिनट पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सन में उसकी इमेज होती है. तो क्वेश्चन यही है कि व्हाई इट इज अपीयरिंग एडवांस, वो हमें पहले क्यों नजर आ जाता है जबकि वो ओरिजिन से नीचे है, लेकिन हमें पहले नजर क्यों आ रहा है? इसी तरह जब सन जा चुका है ओरिजिन के अंदर, तो वो जो हमें नजर आ रहा है दैट इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द सन, तो वो क्यों नजर आ रहा है, मतलब इतना डिले क्यों रहा है? और ये जो टाइम गैप होता है दिस इज ऑफ 2 मिनट. तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? This concept we have to explain on the basis of atmospheric refraction of light. Atmospheric refractions के ऊपर हम इसे explain करेंगे. मैंने आपको बताया था जब भी light rear से denser की तरफ जाएगी तो it will be bent toward the normal. और जब भी light rear से denser की ओर जा रही है तो it will be bent toward the normal. And it will be coming from denser to rear, then it will be bent away from the normal. ठीक है? तो दिस इज द अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है एंड दिस इज द होरिजन. ठीक है, मुझे बता रहे हैं कि सन जो है आपको 2 मिनट पहले एडवांस में ही क्यों नजर आता है. अब आपको पता है कि अर्थ के चारों ओर बहुत सारी लेयर्स हैं, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर. This is the atmospheric layers around the earth. ये ऐसे layers हैं. This is the layers. और 13 या 14 किलोमीटर पे जाके clouds आने शुरू हो जाते हैं और बाकी सारी क्या हैं? Layers हैं. Ionosphere, stratosphere, mesosphere, troposphere and so on. अब this is the sun. Actual position of the sun. Sun अभी क्या है? Horizon से नीचे. अब इन लेयर्स के अंदर क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. अब सबसे ज्यादा डेंसिटी एयर के मॉलिक्यूल्स की कहां होती है? इस अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास. जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती रहती है. ठीक है, और मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो डेंसिटी है एयर के मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी. डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि मीडियम जो है आपका मोर डेंसर होता जाएगा. ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे द एयर मॉलिक्यूल डेंसिटी goes on increasing, density continuously increasing. इसका मतलब जो नीचे जब आप आओगे तो आप denser medium की तरफ आ रहे हो. आप किस medium की तरफ आ रहे हो? Denser की. जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो medium क्या होता जा रहा है? Highly dense होता जा रहा है. अब ये sun की rays आई, this is the rays. अब rays यहां पे जब आएगी तो उसके बाद दिस इज द सर्टेन मीडियम हैव अ सर्टेन मॉलिक्यूलर डेंसिटी, सर्टेन एयर मॉलिक्यूलर डेंसिटी.
when it is moving from this to this point, the density will become increasing, so it will be bent towards the north pole. So north की तरफ झुकी, फिर और आगे आएगी, तो और density बढ़ जाएगी, so it will be bent towards the north pole. देख रहे हो? फिर यहाँ पे आएगी, तो और density बढ़ जाएगी, it will be bent towards the north pole. तो आप देखो यहाँ पे जाके हमें एक virtual image नजर आ रही है. This is the virtual image of sun. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब लाइट इस सन से निकली और अर्थ की सरफेस पे जब स्ट्राइक की उस लेयर के पास, तो यहां पे अब जैसी आएगी तो इसने कहां जाना है? नीचे. तो दिस इज द, यहां पे एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है? कम. और मैंने आपको बताया कि ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. तो एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इट विल बी बेंट टुवर्ड द नोड, क्योंकि रेयर से डेंसर की ओर आ रही है. अब और नीचे आएगी तो एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी फिर बढ़ रही है, तो इट विल बी बेंट टुवर्ड द नोड. तो द रे कंटीन्यूअसली बेंड और मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, कंटीन्यूअसली बेंड हो रही है. तो जब आप उसके पीछे डॉटेड लाइन ड्रा करोगे तो यहां कहीं आएगा. तो दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ सन. अब इंसान कहां खड़ा हुआ है? अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है. और जब वो देख रहा है तो उसे ये चीज नजर आ रही है, जबकि सन कहां पे है? दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन. एक्चुअल पोजीशन सन कहां पे? सन तो नीचे है, बट हम जो यहां देख रहे हैं, दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ सन. और ये जो टाइम गैप रहेगा कितने का? 2 मिनट का रहेगा. उसके बाद जैसे जैसे सन और ऊपर आता रहेगा होरिजन के, तो ये रे जो ऐसे जा रही है सीधी होनी शुरू हो जाएगी. और जब सीधी होनी शुरू होगी तो सन ऐसे आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगी बस. फिर उसके बाद हमें कोई इमेज यहां पे नजर नहीं आएगी. तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई द सन अपीयर इन एडवांस, 2 मिनट पहले क्यों नजर आता है? क्योंकि वो उसकी एक इमेज होती है. और वो क्यों नजर आता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण सन हमें एडवांस में नजर आता है. क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी भी तरह का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्रेक्शन थ्रू ए कंपाउंड ग्लास प्लेट. रिफ्रेक्शन थ्रू ए कंपाउंड ग्लास प्लेट. व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड ग्लास प्लेट? कंपाउंड मींस दो ग्लास प्लेट हैविंग द डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इफ यू हैव टू जॉइन टुगेदर, तो आपको एक प्लेट मिलेगी जो कि कंपाउंडेड प्लेट होगी. कंपाउंड मींस आपने दो प्लेट्स ली, ग्लास की प्लेट ली, दिस इज द फर्स्ट ग्लास प्लेट having certain refractive index, say mu1, and this is the second glass plate having refractive index, say mu2. Either mu2 is greater than 1, mu1, or mu1 is greater than mu2, it doesn't matter. But whenever you have to join these two plates, then you have to get the compound plate. इसको बोलते हैं compound. A plate which is made up of two simple glass plate having different refractive index. एक ऐसी glass plate जो दो different plates having different refractive index उनसे मिलके बनाई जाए. तो अब देखेंगे हम इसके अंदर कि what happen when the light is passing through the compound glass plate. अगर एक light को एक compound glass plate से pass कर दिया जाए, तो after refractions what will happen? क्या होता है? तो चेक करते हैं, कंपाउंड प्लेट आपको समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बताएं. शोभा खाली समझ बेटा, देखो मंशु, ठीक है? तो दिस इज द कंपाउंड ग्लास प्लेट. ज्योति बताओ, व्हाट इज कंपाउंड ग्लास प्लेट? दो डिफरेंट ए प्लेट व्हिच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ग्लास प्लेट्स having different refractive index. क्या बताया मैंने रक्षा? जी, दो प्लेट जिनका different refractive index हो, उनको join करके जो प्लेट तैयार की जाएगी, that is known as the compound glass plate. एक नंबर में MCQs पर क्या सकता है? Compound glass plate is dash dash dash. It is a plate made up of two different plates having different refractive index. Sir, two limits है? Two limits है to compound glass plate. दो ले लो, तीन ले लो, आपकी मर्जी है. तो बनेगी तो कंपाउंड, ठीक है?
अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लिया म्यू वन और इसका है मान लिया म्यू टू, मैं ले लेता हूँ कि म्यू टू ग्रेटर देन है किससे, ठीक है क्लियर हो गया। इस ग्लास प्लेट एक, इसका नाम ले रहा हूं मैं, दिस इज, यहां पे क्या है एयर, यहां पे ग्लास प्लेट, दिस इज ग्लास प्लेट हैविंग इफेक्टिव इंडेक्स से म्यू वन, दिस इज द अनदर ग्लास प्लेट हैविंग इफेक्टिव इंडेक्स से म्यू टू एंड म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। अब ये लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, हमने क्या चेक करना है, जब एक लाइट को एक कंपाउंड ग्लास प्लेट से पास किया जाता है तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो उसके बाद क्या पिक्चर नजर आएगी, उनके जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो दिस इज द इंसिडेंट रे ए बी एंड दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज एंगल आई एंड ऑन मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट वन हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू वन, ठीक है, तो रे विल बी बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकी, this is refractive index से, oh sorry, angle से R1, this is the angle of refraction, where I is the angle of incidence and R1 is the angle of refraction, ठीक है। अब ये जो ray आई, ये bend होगी तो आता normal, अब ये फिर इसके ऊपर गिरेगी, this is again normal और ये बनेगा आपके पास R1, this is the alternate angles, फिर it will be bent towards the normal, इसको मैं R2 कह दूं, this is plate B and this is plate C, ठीक है, दो प्लेट लिए मैंने, एक प्लेट B और एक प्लेट C, दोनों को ज्वाइन किया R2 आ गया, अब फिर दोबारा से this is R2, alternate angles, and this is the emergent ray, जिसको हमने कह दिया R, angle of refraction क्या है इसका R, clear हो गया, चलें अब यहाँ तक समझ में आ गया, AB is the incident plate, whenever the ray is falling on this glass plate having the refractive index in mu1, this plate is known as the B plate, तो angle of I इसके साथ incident बनेगा normal के साथ और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, व्हाई, बिकॉज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी प्लेट इज मोर देन दैट ऑफ ए, म्यू वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू ए, म्यू टू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू ए, सो दिस इज एंगल आर वन, अब ये वाली रे इसके ऊपर फॉल करेगी एक पॉइंट के ऊपर एंड दिस इज ऑल्सो एंगल आर वन, हाउएवर व्हाई, बिकॉज़ दिस इज द अल्टरनेट एंगल्स, फिर ये रे अब इसके ऊपर आएगी तो दिस इज द एंगल R2, दिस इज द अल्टरनेट एंगल्स, फिर उसके बाद दिस इज द इमर्जेंट रे, इसको मैं नाम दे देता हूं C, मान लो C डैश D डैश R, तो लगाओ सबसे पहले इस B पॉइंट के ऊपर लगाओ, दिस इज B, दिस इज H, तो पहले वाले पे लगाओ, सबसे पहले लगाओ A म्यू B, A म्यू B का क्या मतलब है, refractive index of B with respect to A, A, A is air and B is the glass plate, तो क्या बनेगा बताएं, mu B by mu A is equal to कितना होगा बताएं, A mu B by mu A, देखिए इधर Snell's law लगाएं सबसे पहले, Snell's law लगाएं इधर, sin of I into mu A that is constant, similar manner से sin of, अब यहां पे लगाएं sin of R1 into mu B that is constant, तो इन दोनों को बराबर रख दे, तो mu A sin of I is equal to mu B sin of R1, this is constant, बराबर कर दिए दोनों को, तो जब दोनों को बराबर करोगे तो आप लगाओ sin of R by sin of I
आर वन बाय साइन ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास म्यू बी म्यू ए बाय म्यू बी और हमें क्या चाहिए म्यू बी बाय म्यू ए तो इसका मतलब म्यू बी बाय म्यू ए की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास साइन आई बाय साइन आर तो यहां रख दें साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर ठीक है अब नेक्स्ट वाले पे लगाओ एच वाले पे तो क्या बनेगा एच वाले पे लगाएंगे एच वाले पे लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ हमें क्या निकालना है अब बी म्यू सी मतलब म्यू सी बाय म्यू दिस इज इक्वेशन नंबर वन निकालो अब एच वाले पे लगाएंगे हम जब एच वाले पे लगाएंगे तो बनेगा आपके पास क्या बताएं म्यू बी इंटू साइन ऑफ आर वन दैट इज कॉन्स्टेंट ऊपर वाले नीचे वाले का लगाओ म्यू सी इंटू साइन ऑफ आर टू दैट इज कॉन्स्टेंट दोनों को बराबर रखेंगे तो म्यू बी साइन ऑफ आर वन इज इक्वल टू म्यू सी साइन ऑफ आर वन हमें क्या चाहिए म्यू सी बाय म्यू बी तो व्हाट इज म्यू सी बाय म्यू बी म्यू सी को इधर लेगा म्यू बी को इसके नीचे लाओ तो साइन ऑफ आर वन बाय साइन ऑफ आर टू कितना आया आपके पास साइन ऑफ आर वन बाय साइन ऑफ आर टू इक्वेशन नंबर अब तीसरे पॉइंट पे लगाएंगे यहां पे इसका नाम मैंने क्या दिया सी डैश तो सी डैश के ऊपर लगाएंगे तो जब सी डैश के ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा बताएं मुझे म्यू सी बताएं साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ नीचे लगाएं तो म्यू ए इंटू साइन ऑफ आर दैट इज कॉन्स्टेंट ठीक है क्लियर हो गया ठीक है बेटा तो करें म्यू सी साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू म्यू ए साइन ऑफ आर तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अब नेक्स्ट सी म्यू ए की तो क्या बनेगा म्यू ए बाय म्यू सी तो म्यू ए बाय म्यू सी की वैल्यू निकालेंगे साइन साइन आर टू बाय साइन ऑफ आर इसको साइन ऑफ आर का है मैंने अभी ठीक है इज इक्वल टू बताएं म्यू ए बाय यहां पुट करो तो साइन ऑफ आर टू बाय साइन ऑफ दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री क्लियर मैंने आपको कल एक आर्टिकल कराया था रिफ्रेक्शन थ्रो ए कौन सा था आर्टिकल बताएं रिफ्रेक्शन थ्रो ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट उसके अंदर मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था कि जो इंसिडेंट रे होती है इट विल बी पैरेलल टू द रिफ्रेक्टेड रे आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास प्लेट मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई मैंने प्रूव किया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle E is the angle of emergence. This is the angle of incidence and this is the angle of emergence. We have to use this concept. So multiply equation number, multiply करेंगे इसको हम multiply करें equation 1 by equation number 2 by equation number 3 तो करें multiply a mu b into b mu c into c mu a ठीक है बेटा करो अब कितना आएगा आपके पास मुझे बताएं sin of i by sin of r1 into sin of r1 by sin of r2 into sin of R2 by sin of R
तो साइन ऑफ आर वन से साइन ऑफ आर वन कट गया, साइन ऑफ आर टू से साइन ऑफ आर टू कट गया, तो आपके पास क्या बचा, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। तो ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए। अब वी हैव टू यूज द कंसेप्ट, व्हाट कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, कंसेप्ट क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट। और उसमें हमने देखा था कि जो एंगल ऑफ आई होता है वो एंगल ऑफ ई के बाहर होता है, वेयर आई इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो रे वहां से बाहर निकल रही थी, ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, यहां से हमारे पास रे आई थी, दिस इज एंगल आई, इट विल बी बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, फिर यहां से नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था और एक रे ऐसे गई थी, दिस इज द एंगल ई। तो हमने कहा था कि ये जो एंगल आई होता है ये एंगल ई के बराबर होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो यू इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। नाउ इन दैट केस आर इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोथ आर सेम, इट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो इसमें जब पुट करेंगे तो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, साइन आर बाय साइन ऑफ आर, इट विल बी कम्स आउट टू 1। इट मींस जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, ए म्यू बी बी म्यू सी C mu A, that is become equal to 1. इसका मतलब A mu B into B mu C is equal to 1 by C mu A. This is the final result. कि A mu B is what? The refractive index of B with respect to A. तो इसको multiply करोगे refractive index of C with respect to B. Then B से B cancel out each other, तो बनेगा A mu C. Is equal to A mu C. A mu C इसका reverse भी ले सकते हो, C mu A. Any doubt?